हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महेंद्र एक्सप्लोर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे देश को एक करने वाली हस्ती जिन्होंने अपना बचपन और जहाँ पे वो बड़े हुए वो जगह पे आए हुए, और वो जगह है करमसद। और उनकी कुछ चीज़ों का जो संग्रह किया गया तो वो उसके रिलेटेड एक मेमोरियल बनाया गया है जिसके बारे में आपको बता दूं मैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिव्यांशु भाई वोरा जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है।
तो उनसे भी जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है और क्या इन्फॉर्मेशन है। नमस्कार 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 नमस्कार। मैं हूँ दिव्यांशु वोरा, मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और ये जो सरदार पटेल ट्रस्ट द्वारा संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीर विट्ठल भाई पटेल मेमोरियल है, उसका हिस्ट्री ऐसा है कि वाजपेयी जी जो कि वड़ा प्रधान थे उस वक्त, उन्होंने 11 अप्रैल 2000 को इस स्मारक भवन का उद्घाटन किया है। और ये जो स्मारक भवन है इसकी खासियत ये है अच्छा कि वो जो है जो वल्लभ भाई पटेल का वतन है करमसद, वो करमसद में आया हुआ है ये स्मारक, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है। और दूसरा कि इस स्मारक भवन में जो वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न का इल्काब मिला था उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ है, और भारत रत्न जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उसकी प्रतिकृति भी यहाँ लगाई हुई है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट है कि इससे इस स्मारक भवन का महत्व और भी बढ़ जाता है। उसके अलावा ये जो स्मारक भवन है वो 7 acre लैंड पे स्प्रेड किया हुआ है, इट इज यू नो डेवलप्ड ओवर 7 acres ऑफ लैंड, ह्यूज एंड ह्यूज वेरी ह्यूज, एंड वी आर मेंटेनिंग अ ब्यूटीफुल गार्डन विद कलरफुल फ्लावर्स एंड कलरफुल यू नो एज यू माइट हैव सीन द फाउंटेन एंड कलरफुल बर्ड्स आर देयर, किंगफिशर्स आर देयर, राइट। सो ये जो गार्डन है वो हम मेंटेन करते हैं और 7 acre जमीन पर जैसे मैंने बताया है। और ये जो स्मारक भवन है उसमें वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल से जुड़ी हुई यादें, उनकी कुछ चीज वस्तु है जो है वो यहाँ विद्यमान है, जिसमें कि वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सभ्य थे, तो उस वक्त उन्होंने जो शाल, जैसे हम जानते हैं इट वाज हिज स्टाइल स्टेटमेंट, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे हम देखते हैं कि वो एक शॉल पहने हुए रहते थे, तो वो जो एक शॉल है वो शॉल हमारे पास यहाँ उनकी यादगिरी के रूप में है। right. उसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको जो गिफ्ट किया था टी सेट, वो टी सेट वैसा के वैसा बरकरार रही है यहाँ। वल्लभ भाई पटेल ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अपियर ऑन द कवर पेज ऑफ द प्रेस्टिजियस टाइम मैगजीन, तो वो ओरिजिनल मैगजीन हमारे यहाँ है। ऐसी कई चीजें, विट्ठल भाई पटेल का डेड बॉडी, उस वक्त वो जिनेवा थे व्हेन ही डाइड देयर, तो उनका डेड बॉडी जिस कॉफिन में लाया गया है वो डेड बॉडी उनकी स्मृति में वो जो कॉफिन है वो यहाँ है। तो इस तरह से यहाँ एक ब्यूटीफुल स्मारक यहाँ है, और मैं अपने सभी मित्रों को इनवाइट करता हूँ यह देखने के लिए स्मारक भवन, तो एक बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा यहाँ, और आपको यहाँ आने के लिए हम निमंत्रण देते हैं, आपका कभी भी स्वागत है। जय सरदार, जय विट्ठल, जय हिंद, जय हिंद। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर साथ में और उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो आगे हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी है और एक्सप्लेन भी करेंगे हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से। तो चलिए सर, आप हमें और भी चीज़ें दिखा दीजिए कि क्या क्या उनकी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन रखी गई है। देखिए जो टाइम मैगजीन है ओके, उसकी प्रतिकृति है, वो ओरिजिनल मैगजीन है, और उसमें जो 4-page आर्टिकल है वो यहाँ पे यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उनके जानकारी के लिए यहाँ रखा गया है। ओके ठीक है हाँ। उसके अलावा ये जो उस वक्त जो कि जो स्पिनिंग व्हील हम बोलते हैं अच्छा। चरखा बोलते हैं वो चरखा यहाँ रखा गया है उनकी स्मृति में। ये जैसे मैंने अभी जिक्र किया वो शॉल जो कि उन्होंने ओढ़ रखी थी, पहन रखी थी, वो है जो लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको गिफ्ट किया है टी सेट। हाँ जी टी सेट है, गिफ्ट किया है, इतना ही नहीं हाँ। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बलम है हाँ। और उस पे इंस्क्राइब किया है VJP वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल। सो पर्सनलाइज करके यहाँ रखा गया है, और उनके कुछ सिक्के जो कॉइन्स है वो रखे गए हैं ठीक है। और ये सारे पोस्ट कार्ड है उनके? नहीं, ये जो फर्स्ट डे कवर होते हैं उनकी याद में अच्छा। जो फर्स्ट डे कवर का बहुत जो कि कलेक्ट करते हैं अच्छा। उनको पता है कि जब ये रिलीज होती है पोस्टल स्टैम्प, तो जो फर्स्ट डे जिस दिन रिलीज होती है उस दिन का कवर देखो ये कैंसिल करके दिया है उस दिन का, वरना ऐसे नहीं होता, तो ये कैंसिल करके दिया हुआ है। तो फिलाटेलिक जो रखते हैं स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही अनमोल खजाना है अच्छा।
ये सब का मतलब कलेक्शन है आपका? कलेक्शन है, यहाँ रखा गया है। ओके ओके। और जैसे मैं आपको बताया, हाँ, ये विठल भाई पटेल का कॉफिन है। और ये भी ऐतिहासिक 1933 से, महेंद्र भाई देखिए, ये 1933 का यहीं कहीं, मतलब ये उनकी यादगिरी में याद रखा गया है। अच्छा, ये उनका ही कॉफिन है? ये उनका डेड बॉडी इस कॉफिन में लाया गया, इस कॉफिन में लाया गया था। ओके, और ये सारी चीज़ें हैं उनकी? ये जो है, हम यहाँ छोटा सा हमारा सोविनियर शॉप है। अच्छा, यहाँ आके वल्लभ भाई पटेल के बारे में और दूसरे भी नेता के बारे में, यहाँ से जो कि विजिटर्स आते हैं वो यहाँ से बुक्स खरीद सकते हैं। अच्छा, और यहाँ भी कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि उनकी स्मृति में रखे गए हैं। तो जैसे हम आगरा जाते हैं तो ताजमहल लेके आते हैं, राइट, राइट, तो राइट। इसी तरह से वल्लभ भाई से जुड़ी हुई चीज़ें, हाँ, का यहाँ वितरण होता है। ओके। लोग यादगिरी के मुताबिक ये ले जाता, हाँ, है। ये कुछ ऐसे स्टैचू वगैरह है, जिनको यहाँ क्या होता है कि आनंद में कोई भी गेस्ट आता है तो वल्लभ भाई पटेल का ही स्टैचू उनको गिफ्ट में या उनके सम्मान में दिया जाता है, राइट। और ये इसका कुछ कॉस्ट रहता होगा? कॉस्ट थोड़ा सा नॉमिनल रहता है। ओके। हम यहाँ मार्जिन नहीं रखते, लेकिन मेंटेनेंस के लिए जो चार्जेस होते हैं वो हम लेके उसको सोविनियर के तौर पे देते हैं। एक बात और है कि ट्रस्ट का जो इनकम है वो कॉर्पस फंड का इनकम होता है वही है, और एंट्री फी होती है। ओके, ओके। तो इसी पे ये सब जो उसमें से प्रोसीड्स मिलती है, हमें रकम मिलती है, वो ये सारे सरदार पर, आप जैसे देख रहे हैं हाउसकीपिंग इतना अच्छा है, बहुत बहुत साफ है, साफ और सुथरा रखते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ है जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी आए थे ओपनिंग के लिए। ये कुछ और फ़ोटोज़, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव है यहाँ पे सरदार पटेल के लिए जानने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, उनकी पर्सनल चीज़ें। और ये वीडियो के बाद मैं सरदार पटेल हाउस में भी जाने वाला हूँ, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। और ये कुछ और फोटोज़ उनके, ये उनके बचपन की फ़ोटोज़ कुछ। और ये इनका घर है जो कि काफ़ी 500-600 मीटर की दूरी पे है। और ये कुछ और पिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको उनके बचपन से लेके बड़े तक और उनके देहांत तक की सारी चीज़ें यहाँ पे संग्रह करके रखी है। ये है भारत रत्न, जो कि उनको उनके देहांत के बाद उन्हें सम्मानित किया गया था। और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यह है सरदार पटेल की कोटी, जो कोटी पहना करते थे, ये कोटी है। ये उनका कुर्ता, जो कुर्ता पहनते थे। ये है लंच बॉक्स, पीतल के कुकर। फिर ये है उनकी चप्पल, जो वो पहना करते थे, और उनके स्टव वगैरह। ये गोल्डन पेन, फाउंटेन पेन जो वो यूज़ करते थे। ये है उनका खादी का चरखा और खादी का कपड़ा। ये उनकी पॉकेट वॉच थी सिल्वर की। ये फिर उनके फुटवेयर है जो वो पहना करते थे। एनलार्ज पिक्चर ऑफ भारत रत्न पोस्टम्यूसली अवॉर्डेड टू द ग्रेट सरदार पटेल। ये भारत रत्न का फोटो है जो उनको पोस्टम्यूसली उनको सम्मानित किया गया था देहांत के बाद। बहुत बड़ा मेमोरियल है, 7 acres में बनाया गया है, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा मेमोरियल होगा ये। बाहर से आपको कुछ दिखा दूँ,
तो ये कुछ बाहर की तस्वीर है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सर थे, सर ने काफ़ी अच्छा अच्छा हमको एक्सप्लेन किया और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ये कुछ पीछे की तस्वीर है, तो सर आप सरदार हाउस के लिए कुछ बता रहे थे, तो सर आप उसके जानकारी भी दे दीजिए। ये जो हमारा ट्रस्ट है, सरदार पटेल ट्रस्ट है, राइट, वो सरदार पटेल ग्रुप मतलब जो कि करमसर टाउन में आया हुआ है, ये मतलब ये जगह का वही महत्व है कि यहाँ सरदार पटेल का पैतृक घर जिसे हम बोलते हैं, और वहाँ उन्होंने उसका बचपन बिताया है। तो ओरिजिनल मॉन्यूमेंट इज सरदार हाउस ओनली, दिस इज यू नो ऑफकोर्स दिस मेमोरियल इज क्रिएटेड इन हिज मेमोरी, बट द ओरिजिनल मॉन्यूमेंट इज सरदार हाउस एंड पीपल डू विजिट एंड देयर वी आर शोइंग 120-minute डॉक्यूमेंट्री फिल्म ओवर देयर। ओके ओके, तो सर काफ़ी डिटेल में आपने बताया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिटेल्स आपके पास, तो आपके आपको मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। आप ऐसे ही मतलब मेंटेन करते रहिए और कुछ ना कुछ डेवलप करते रहिए, लोग आपको सपोर्ट करें, यही मैं चाहूँगा। तो चलिए सर, बाय, थैंक यू आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। ओके, ये गार्डन है यहाँ पे बाजू में ही, और यहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हो। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सरदार पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे हो, तो जाने के बाद या फिर जाने से पहले यहाँ पे उनके गांव में भी आके विज़िट करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल में जो कि करमसद में है। और मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनके बारे में आपको कुछ जानना चाहते हो, या फिर आनंद के आजू बाजू में रहते हो, या फिर यहाँ से गुज़र रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक बार विज़िट ज़रूर करनी चाहिए। टिकट की प्राइस है 15 rupees ओनली, और इतने कम दाम में यू नो आपको ये सब घूमने को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे अंदर गया था तो उनको उनका फ़ोटो देख के रोंगटे खड़े हो गए, और उनका कुछ पर्सनालिटी कुछ ऐसा था कि आप उनको देख के मतलब गर्वित महसूस करोगे, क्योंकि उनकी चीज़ें बता दूँ तो उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स रजवाड़ों को एक किया था, और हम घर में दो लोगों को एक नहीं कर सकते, और उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट को पूरी यूनाइट किया था। जैसे सर ने बताया था कि यहाँ पे किंगफिशर वगैरह बहुत सारे बर्ड्स है, तो मैंने वो भी देखे, जस्ट अभी देखा था मैंने वहाँ पे, आपको शायद कैमरे में ना दिखे। काफ़ी मैं अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है यहाँ पे, ग्रीनरी और पूरा क्लीन है कैंपस, और वहाँ पे आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, अगर ना दिखे तो मैं आपको पॉइंट करके बता देता हूँ कि वो वहाँ पे लोग, देखिए वहाँ पे तीन लोग वहाँ पे बैठे हैं और ग्रास कटिंग कर रहे हैं, और क्या चाहिए, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखी गई है यहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आपके साथ बच्चे हैं, तो ये है प्लेग्राउंड जहाँ पे वो खेल सकते हैं, और उनको भी मज़ा आएगा। अगर कुछ अंदर हिस्ट्री भी जाननी है तो आप अंदर विज़िट करके जितना टाइम ले सके, इसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं है, आप 15 rupees की टिकट लेके और पूरा विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे अंदर, काफ़ी पीसफुल था। और ये कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स है यहाँ पे, यहाँ पे बैठूँगा। देखो ये बर्ड्स बात कर रहे थे ना, ये एक और ये बर्ड है यहाँ पे, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, पर काफ़ी यूनिक है। उड़ गया, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और कुछ बता दो तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में डिसाइड किया था कि
कि उनके बर्थडे 31 अक्टूबर को 2014 से वो डे को एज अ नेशनल यूनिटी डे के तरीके से मनाया जाए। और 2018 में सबको पता है कि सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है, और तो उसका अनावरण किया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सरदार पटेल के बारे में आप और जानना चाहते हैं और उनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो करमसद में भी कभी आए, क्योंकि मैं काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे, और आपको भी आना चाहिए यहाँ पे, विज़िट देनी चाहिए एक बार, तो ज़रूरी देनी चाहिए। यहाँ से 500 मीटर्स में उनका घर भी है, जहाँ पे उन्होंने बचपन बिताया था। और चलिए फिर अभी नेक्स्ट एपिसोड हम उनके घर में दिखाएंगे। चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।